नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूंगफली की टॉप 5 किस्मों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मूंगफली की कौन कौन सी ऐसी उन्नत किस्में हैं जिनमें रोग व कीटों का प्रभाव सबसे कम होता है और पिछले सालों में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन दर्ज करवाया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि भविष्य में भी आपको किसानों से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मूंगफली की टॉप 5 किस्मों के बारे में। जैसा कि यहाँ पे मैं कुछ जनरल चीजों की यहाँ पे बात कर लेता हूँ, उसके बाद अपने किस्मों की बात करेंगे। सबसे पहले जो मूंगफली को बोने का उचित समय जो है वो है 1 जून से लेकर के 15 जून तक, यानी मानसून आने से पहले अपने को मूंगफली की बुआई जो है वो कर देनी है, क्योंकि उसके बाद अगर बुआई करते हैं तो मूंगफली का उत्पादन 10 से लेकर 30% तक प्रभावित होता है। तो आपको 15 जून से पहले पहले मूंगफली की बुआई कर लेनी है। हालांकि आप चाहें तो अब जो मई के अंत में भी इसकी बुआई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मूंगफली का जो बीज होता है उसकी बीज दर क्या रखें। तो जो झुमका किस्में होती है यानी थोड़ी कम फैलने वाली होती है, उनको अपने कह सकते हैं कि 100 किलो बीज, मूंगफली के दाने बता रहा हूं, न कि छिलका समेत, मूंगफली का 100 किलो बीज आपको प्रति हेक्टेयर डालना है। इसके अलावा यदि आप कम जो फैलने वाली वैरायटीज है, दूसरी अर्ध झुमका किस्में जिनको बोलते हैं, वो 80 किलो प्रति हेक्टेयर बीज जो है आप डाल सकते हैं। इसके अलावा जैसे जो मूंगफली है, मूंगफली के अंदर कुछ मुख्य समस्याएं रहती है, जैसे कुछ जो अपने राजस्थान का एरिया है जहां पर रेतीली मिट्टी है तो वहां पर दीमक की समस्या बहुत ज्यादा है। तो जैसे अपने मूंगफली फलोत्पादन के लिए प्रेरित करती है तो उनकी जड़ों में दीमक का प्रकोप बढ़ जाता है, जिससे जो पौधे है वो उखड़ने लग जाते हैं और दीमक जो है जड़ों को काटती है। तो यहाँ पे आपको जो दीमक के लिए क्लोरोफायरीफोस से साथ में बीज को उपचारित भी करना है, और साथ में आप चाहें तो बीज जब दीमक का प्रकोप दिखाई दे तो पानी के साथ क्लोरोफायरीफोस थोड़ी थोड़ी डाल करके आपको दे देनी है, जिससे आपकी दीमक का प्रकोप जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा जो मूंगफली के अंदर एक समस्या अक्सर आती है वो आती है सफेद लट का प्रकोप होता है। जो रेतीली मिट्टी है उसके अंदर सफेद लट ज्यादा पाई जाती है, जिसको अपने गिडार खेती की भाषा में बोलते हैं, तो उसका भी प्रकोप को आपको रोकना है ताकि मूंगफली की जो फसल है आपको अधिक से अधिक मिल सके। इसके अलावा जैसे अपने मूंगफली की बात करें तो बीजोपचार करना है आपको FIR विधि से। FIR यहाँ पे जैसे जो पुलिस स्टेशन वाली नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। F का मतलब फंगीसाइड, I का मतलब इंसेक्टीसाइड्स, यानी फंगीसाइड यानी कि जो कवक जनित रोग है उनको रोकने के लिए अपने को दवाई का प्रयोग करना है, इंसेक्टीसाइड यानी कीटनाशी का, और R से मतलब होता है राइजोबियम, यानी कि जो जितनी भी जड़ें जो जमीन के अंदर होती हैं उनके अंदर आपको राइजोबियम से यदि आप उपचारित करते हैं तो मूंगफली का उत्पादन 30% तक बढ़ाया जा सकता है। तो यदि आप बीजोपचार करते हैं तो सबसे पहले कवकनाशी को बीज के ऊपर लगाएं, उसके बाद कीटनाशी को, और सबसे लास्ट में आपको राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना है, ताकि यदि आप सबसे पहले राइजोबियम कल्चर लगा देंगे उसके बाद कोई कीटनाशी या फंगसनाशी लगाते हैं तो आपका जो राइजोबियम के जीवाणु है वो मर जाते हैं। तो आपको FIR विधि से इसका बीजोपचार करना है। इसके अलावा यदि किसी किसान भाई को कोई भी मूंगफली की या किसी भी खेती से जुड़ी जानकारी पूछनी है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछें, बेझिझक पूछें, आपको जितना जल्दी हो सके उसका जवाब मिल जाएगा। अब दोस्तों जैसे बात कर लेते हैं कि मूंगफली के अंदर पानी की व्यवस्था जो है कितनी मात्रा में करनी है, तो जितना हो सके मूंगफली की फसल के अंदर पानी संपर्क कलर यानी फुहारा विधि से दें, उससे उत्पादन अधिक होता है। क्योंकि यदि आपने प्रवाह विधि से क्यारियों में पानी देते हैं तो जो जड़ क्षेत्र के आसपास की मिट्टी कट करके आगे बह जाती है, जिससे तो जड़ों का समुचित विकास नहीं होता और जो मूंगफली यानी नट बनने की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। इसके अलावा जैसे अब बात कर लेते हैं अपने मूंगफली की कौन कौन सी सबसे अधिक उत्पादन देने वाली 5 किस्में हैं। यहाँ पे मैं आपको झुमका किस्में भी बता रहा हूँ जो कि हैवी सॉइल के लिए होती है यानी तकड़ी मिट्टी के लिए होती है, और लाइट सॉइल के लिए भी किस्में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे एक जो जैसे JGN3, ये 100 से 105 दिन की किस्म है। उपज इसकी रहती है 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक। 1999 में ये किस्म निकाली गई थी। इसके अलावा JGN23 90 से 95 दिन में पककर तैयार होने वाली किस्म, 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज रहती है। 2009 में किस्म लॉन्च हुई थी। इसके अलावा GG20 है, सबसे बेस्ट किस्म में आती है। 100 से 110 दिन की वैरायटी है। 20 से 25 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर उत्पादन इसका है।
और 1992 के अंदर ये किस्म लॉन्च की गई थी। इसी प्रकार से TG37A 100 से 105 दिन की वैरायटी है, 18 से 20 क्विंटल उपज रहती है और 2004 में लॉन्च की गई थी। JL501 भी 20 से 25 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर उत्पादन देने की क्षमता रखती है। अब बात करते हैं मूंगफली के अंदर रोगों की रोकथाम। तो मूंगफली में प्रमुख रूप से टिक्का, कोलर और तना गलन या रोजेट रोग का प्रकोप होता है। टिक्का के लक्षण दिखते ही इसकी रोकथाम के लिए डाइथेन M45 यानी जो फंगसनाशी है, इसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इसके छिड़काव करना है। ये आपको 10 से 12 दिन बाद एक बार फिर से दोहराना है। रोजेट वायरस जनित रोग है, इसके फैलाव को रोकने के लिए आपको इमिडाक्लोप्रिड 0.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर इसके छिड़काव करना है। अगर कीटों की बात करें तो मूंगफली में सफ़ेद लट यानी गिडार, बिहार रोमिल इल्ली, मूंगफली का माहू व दीमक प्रमुख कीट है। इनसे अपने बचना है तो बुवाई के पूर्व 4810G या कार्बोफ्यूरान 10-3G जो है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में आपको मिलाना है। दीमक के प्रकोप को रोकने के लिए जैसा मैंने आपको पहले बताया क्लोरोफायरिस पास जो दवा है उसको 3 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से आपको प्रयोग करनी है। रसूसक कीटों जैसे माहू, थ्रिप, सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 0.5 ml या डाइमिथोएट 30 EC का 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको छिड़काव करना है। मूंगफली की सबसे प्रमुख प्रसिद्ध 3 किस्मों की बात करें तो झुमका किस्म जो कि हैवी सॉइल यानी भारी मिट्टी के लिए उपयोगी पाई गई है। इसके अलावा दूसरी अर्धविकसित और विकसित किस्में जो लाइट सॉइल के लिए उपयुक्त रहती है। झुमका में उन्नत किस्म आती है TG37A, अर्धविस्तारी किस्म में RG 599-3 और RG 425 को अच्छा माना गया है। विस्तारी किस्म